हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज हेवन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी सूजी का केक, और वो भी घर की नॉर्मल कढ़ाई में। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सूजी का केक बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है, 1 कप चीनी और 1 कप मैदा लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें 1 कप चीनी डाल देंगे और 1 कप सूजी डाल देंगे और 1 कप मैदा डाल देंगे। इन तीनों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है, अब इसे बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, और इसे मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। मैंने टोटल 2 कप दूध डालकर अच्छी तरह से मिलाया है। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे और 1 पिंच नमक डालकर मिला लेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और 1/2 नींबू का रस डालकर मिला लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार है। ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट बैटर बना है। और नींबू का रस डालने से ये और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है घर की कढ़ाई, उसे मैंने पहले ग्रीस कर लिया था, और इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे और इसमें केक के बैटर को डाल देंगे। गैस पे रखेंगे तवा रोटी बनाने वाला, और इसके ऊपर कढ़ाई को रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। 35 मिनट बाद ढक्कन को हटाएंगे, केक को चेक करेंगे। ये देखिए टूथपिक क्लीन आया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। केक हल्का गर्म है, इसे सावधानी से उठाएंगे और प्लेट में रख देंगे। केक के ऊपर एक दूसरा प्लेट रखेंगे और इसे पलट देंगे और इसके ऊपर से बटर पेपर को हटा देंगे। ये देखिए मैंने पेपर को हटा दिया है। अब इसके ऊपर दूसरा प्लेट लगाकर इसे सीधा कर लेंगे, और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए थोड़ा सा डार्क चॉकलेट लिया है, इसके सेंटर में रख देंगे इस तरह से। केक के ऊपर 1-1 चेरी इस तरह से रखेंगे।
अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इस केक को बनाने में ना ज़्यादा मेहनत है ना ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, घर के ही चीज़ों से इतना अच्छा केक बनकर तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।